डिजर्विंग, एब्सोल्युटली गुड 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 बेटा बेस्ट, और हमें हमेशा बेस्ट ही रहना चाहिए। दुनिया में इतनी ज्यादा अजूबेदार चीजें हैं, इतनी ज्यादा वियर्ड वियर्ड चीजें हैं जिनके बारे में शायद सिर्फ मुझे ही नहीं पता, लेकिन फिर भी ऐसा कुछ हो जाता है कि वो चीजें मेरे सामने आ जाती है, फिर मैं उन्हें परचेस करती हूँ और आपके साथ शेयर करती हूँ उसका रिव्यू, और आपको बताती हूँ कि वो जो चीजें हैं काम करती है या नहीं। लेकिन उसके बदले मुझे आपसे सिर्फ क्या चाहिए, एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, लेकिन आपसे उतना भी नहीं होता। कर दो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर दो, ये मेरी इंस्टा की आईडी है। और अब मैं आपको बताती हूँ कि वो वियर्ड चीज और अजूबेदार चीज क्या है। सो लेट मी इंट्रोड्यूस यू पीपल विद स्पेशल गेस्ट ऑफ आवर वीडियो टुडे। दिल थाम लो सारे, मिस्टर मैजिकल पेनलेस हेयर रिमूवल स्पॉन्ज पैड, देखने में जो काफी ज्यादा क्यूट सा है, प्यारा सा है, और इसको देख के ना खाने का मन हो रहा है यार। और मेरी लड़कियों और मेरे लड़कों दोनों सुनो, अगर इस मैजिकल पेनलेस हेयर रिमूवल स्पॉन्ज पैड ने अपना काम बखूबी किया ना, तो आप लोग तो मतलब वैक्सिंग लेजर रेजर को बोलोगे कौन है आप लोग, नहीं जानते आपको हम, चलिए चलिए निकल के, कोई काम नहीं आपका आज से यहाँ पे, ऐसा हो जाएगा, जो कि बहुत अच्छी बात है कि नहीं। मतलब सिर्फ सोच के देखो आप एक बार कि वैक्सिंग से छुट्टी, लड़कियों सोच के इतनी खुशी हो रही, तुझे अपना काम करना पड़ेगा, कर सकता है तू, करना ही पड़ेगा तुझे, समझा ना। और अगर इस चीज ने अपना जादू करिश्मा चमत्कार दिखाया तो इसकी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, और अगर नहीं दिखाया तो मैं नहीं दे रही कोई लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अपने लोगों के पैसे बर्बाद नहीं करना चाहती, बस इतनी सी बात है, मुझे आप सबसे प्यार है। इसको टेस्ट और ट्राई करने के लिए मुझे बहुत लंबा वेट करना पड़ा, बिकॉज जो ग्रोथ थी हेयर की वो इतनी आई नहीं थी, तो अब उतनी आ गई है कि टेस्ट हो सकता है, तो टेस्ट करके देखते हैं। लेकिन फिर भी मैं सोच रही हूँ आपको थोड़ी सी और जानकारी दे दूँ इस महान चीज के बारे में, तो मैं बता देती हूँ। इसके दो फेसेस है, पहला तो ये ग्रीन वाला और फिर आता है ये पिंक वाला। तो जो पिंक वाला फेस है वहां से हम करेंगे स्क्रबिंग, मतलब जहाँ के भी आपको हेयर रिमूव करना है तो सिंपली वहां पे आपको उसको हल्के हाथों से स्क्रब करना है, और जो भी हेयर वगैरह है वो ग्रेजुअली फॉल आउट हो जाएंगे। और ये जो ग्रीन वाला पार्ट है इसको हम लास्ट में यूज करेंगे, जब जो भी हेयर वगैरह है वो निकल जाएंगे, तो आप इसको यूज करोगे फॉर सॉफ्ट स्मूथ और लुब्रिकेंट स्किन, है ना, मतलब इसमें कोई मॉइस्चराइजर टाइप तो नहीं है, क्योंकि ये जो पार्ट है वो थोड़ा सा सॉफ्ट है एज कम्पेयर टू ये वाला, ये थोड़ा सा माइल्ड हार्श है, ज्यादा हार्श नहीं है, तो इसमें शायद मॉइस्चराइजर है। थोड़ा सा क्लोज से मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये जो पार्ट है वो थोड़ा सा सॉफ्ट सॉफ्ट है एज कम्पेयर टू ये वाला, और ये थोड़ा सा हार्श है, तो होगा कुछ। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि जो चीज इन्होंने इस पे लगाई है वो है क्या, स्क्रब करते हुए तो सोच रही हूँ कि निकल ना जाए, क्योंकि ये ना इसके ऊपर स्टिक की गई, ऊपर से स्पंज के ऊपर ये दोनों चीजों को लगाया गया है। तो वेट कर लेते हैं हाथ को और फिर स्क्रब करके देखते हैं कि क्या होने वाला है। मुझे तो बड़ी एक्साइटमेंट से हो रही है, अंदर से बिल्कुल ऐसे ऐसे से हो रहा है कि जब ये प्रोडक्ट बना होगा ना, इसका जो ओनर है उसने भी इतना नहीं सोचा होगा कि मेरा प्रोडक्ट चल जाए जितना मुझे लग रहा है कि जो प्रोडक्ट है वो काम कर जाए। दिख रहा है ना ये जो ग्रोथ वगैरह है हेयर की, वो दिख रही है कि नहीं दिख रही, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। पहले एक बार आप लोग ग्रोथ चेक कर लो कि कितनी ग्रोथ है, और उसके बाद बिफोर देखेंगे कि क्या हुआ है। तो ये आ गया हमारा मैजिकल स्पॉन्ज, और अब चेक करते हैं कि क्या होगा। तो इसका जो डायरेक्शन फ्रिक्शन है वो सर्कल रोटेशन में होना चाहिए, तभी शायद ये काम करेगा। और हमें इसे कंटिन्यूस 5-10 मिनट तक स्क्रब करना ही है। इतने में हाथ दुखने लगा मेरा तो। सर्कल में तो कुछ नहीं हो रहा है, मुझे लग रहा है शायद वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में ही कुछ हो जाए। वो तुझी के लाल हो गए हाथ यार। कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं निकल रहा है, पूरा 10 मिनट हो गया फिर भी कुछ अभी तक निकला नहीं। मुझे लग रहा है कि एक भी जो बाल है वो टूट के गिरा नहीं है, हाथ ऊपर से अलग मेरा लाल हो गया। ये देखो डिफरेंस देख लो, ये वाले हाथ में और ये वाले हाथ में। मुझे क्या लग रहा है कि जो मेरे हाथों की ग्रोथ है वो थोड़ी सी कम आई है, तो जो ये है अपना काम नहीं कर पा रहा है, तो मुझे कोई ऐसा हाथ चाहिए जिसकी जो हेयर ग्रोथ हो हाथों की वो थोड़ी सी अच्छी हो, समझा जरा इधर। तो इतनी ग्रोथ में तो निकलना ही चाहिए यार, है कि नहीं।
मेरे से ज्यादा ग्रोथ है इसकी, तो इसके हाथ में चेक करेंगे कि क्या मैजिकल पेनलेस हेयर रिमूवल स्पॉन्ज पैड जो है वो काम करता है या नहीं। तो चलिए आग लगा रही है क्या? बाल तो नहीं निकल रहा लेकिन गोरा जरूर हो गया ना तू। बचपन में मम्मी तैयार कर देते ना पाउडर। नहीं यार नहीं निकल रहे हैं यार, कुछ नहीं निकल रहा। ये क्या हो रहा है, वाइट वाइट सी मतलब लेयर आ रही है एक और बाल वाल कुछ नहीं निकला। झूठ है, चल हट जा यहाँ से। सब झूठ है। लास्ट बार ट्राई कर रही हूँ, हमने निकला तो नहीं करेंगे बिकॉज हाथ तो अलग ही लाल होता जा रहा है यार मेरा। ये देखो टीचिंग भी हो रही थोड़ी थोड़ी अब तो। और मुझे कोई ये नहीं बोलेगा कि आपने इसको हॉरिजॉन्टली स्क्रब किया है वर्टिकली स्क्रब किया है, क्योंकि मैंने जब इसको सर्कल में भी किया ना स्क्रब तब भी कुछ नहीं हुआ। और उसके बाद मुझे ये डिसीजन लेना पड़ा कि हमें इसे हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली करना चाहिए। इसमें तो फिर भी ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि निकल जाएगा, बट इसमें क्या है, इसमें कुछ नहीं है, कुछ हुआ तो है नहीं। ऊपर से पूरा हाथ और रेड रेड हो गया, रेडनेस चेक करो हाथ की, कुछ भी काम नहीं किया है इसने। तो मैं सोच रही हूँ ये कि मैं इसको कहाँ यूज करूँ, क्या सॉफ्ट करूँ, क्या स्मूथ करूँ, क्या लुब्रिकेट करूँ। यार लगा लेते हैं शायद कुछ हो जाए, जो रेडनेस है शायद वही कम हो जाए, है ना, कुछ भी हो सकता है। मेरा जो मन है ना अंदर से पता है कैसा हो रहा है आपको, कि मैं इसको ना दांतों से काट लूं। काट के देखे अब थोड़ा अच्छा लग रहा है। मुझे पता है मैं बिल्कुल अजीब सी अलग सी पागल सी साउंड कर रही हूँ, लेकिन सॉरी गाइस, दिल से सॉरी। सो गाइस, अगर आपको ये मैजिकल पेनलेस हेयर रिमूवल स्पॉन्ज पैड का रिव्यू और ये वीडियो किसी भी रीजन से पसंद आया हो तो डू लाइक इट, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और नेक्स्ट वीडियो आप कौन से टॉपिक पे चाहते हो ये भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, बता दिया करो कभी तो। और तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड गाइस। सो गाइस, अगर आपको ये मैजिकल पेनलेस क्या था आगे का स्पॉन्ज पैड का रिव्यू